अरे नोबिता क्या हुआ? मैंने अच्छे से सीख लिया है। हाँ? ये तो बहुत ही आसान था शिजुका। चलो ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्या, क्यों ना हम इसके बदले कोई गेम खेले, क्या ख्याल है? हाँ? नोबिता, लेकिन तुम तो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आए थे ना? हाँ शिजुका सही कह रही है, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बस देखते जाओ मेरा कमाल। अरे वाह, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है नोबिता। तुम कमाल के हो नोबिता। याहू! अरे जियान, तुम यहाँ, तुम्हारा स्वागत है। अच्छा तो तुम सब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? नहीं, वो तो सिर्फ नोबिता बजा रहा था, हम सुन रहे थे। इसने बहुत अच्छा बजाया। ठीक है, तो फिर तुम सब अब मेरा गाना भी सुनो, मजा आएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं जियान। हाँ, हमें तो अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, इसलिए तुम गाना नहीं गाओगी। मैं जानता हूँ मैं मेन इवेंट में गाना नहीं गा सकता, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस के दौरान गाना गाना चाहता हूँ। और जानते हो, सुनियो ने खुद कहा वो मेरा गाना सुनना चाहता है। सुनियो, सुनियो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम सब जानते हो दोस्तों कि जियान ने बहुत ही अच्छा गाना बनाया है? मैं गाना शुरू करता हूँ। नोबिता, नोबिता कान खोले रखना, तुम्हें गाना सुनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नोबिता, जियान, मैं कहती हूँ बंद कर दो ये सब। मुझे माफ करना, मैं थक गया हूँ। तो सब कुछ ठीक रहा ना? बहुत ही ज्यादा बढ़िया डोरेमोन, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ध्यान रखना, उस पर कुछ और रिकॉर्ड मत करना, अगर ऐसा किया तो जो पहले रिकॉर्ड किया होगा वो गायब हो जाएगा। ओके, गुड नाइट। अब तुम इसे भी बंद कर सो जाओ ना डोरेमोन। ठीक है। अगली बारी डेकिसुगी की टीम की है। जियान, गाना मत गाना, समझे? मेरा मजाक मत उड़ाइए सर। चलो शुरू करते हैं। चलो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। जियान का चेहरा क्यों दिखा रहा है? यानी कि मुझसे जियान का गाना रिकॉर्ड हो गया? नहीं। लेकिन सर मैं नहीं गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर दो। म्याओ, म्याओ। स्विचिंग मिरर। अच्छा तो मैं ठीक है, बाय। मिलते हैं, बाय। नोबिता ने आने में बहुत देर कर दी। मैं घर आ गया मॉम। डोरेमोन, तुम आ गए सामान देकर आने के लिए, शुक्रिया। हाँ डोरेमोन, और सामान की बातें, मॉम मैं तो स्कूल से वापस आया हूँ, क्या हो गया है? इसका मतलब तुम सामान देकर नहीं आए? चलो जल्दी से जाओ और सामान लेकर आओ। मैं इसे ले जाता हूँ मॉम, चिंता मत कीजिए। मुझे अपनी आंटी के घर जाना पड़ेगा, लेकिन क्यों डोरेमोन? दरअसल मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह आंटी के घर तुम चले जाओ और उन्हें ये दे दो। हाँ। तुम जाओगे ना? प्लीज चले जाओ। क्या तुम अंदर मेरे साथ नहीं आने वाले हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ ना। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे डोरेमोन, तुम बताओ कैसे हो तुम? ये मॉम ने आपके लिए भेजा है, तुम्हारा शुक्रिया। अरे ये तो डोरेमोन है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा सच में? जरा दिखाओ तो। ये देखो। ओले ओले, कितना प्यारा चूहा है। अरे तुम्हें डर नहीं लगा डोरेमोन? तुमने तो मुझे बचा लिया। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो वो बच्चा मुझे चूहे से डराता है, तुम्हें पता है? तो अब समझा, इसी वजह से तुमने मुझे वहाँ भेजा था। हाँ नोबिता। लेकिन ये बताओ, तुमने बॉडी स्विच कैसे की? वो मैंने इस गैजेट की मदद से किया।
दरअसल इसे स्विचिंग मिरर कहते हैं। तुम जिससे बॉडी स्विच करना चाहते हो उसे इस मिरर में देखो और इस बटन को दबा दो। उसके बाद इस रीसेट बटन को दबाने के बाद तुम पहले जैसे बन जाओगे। वाओ, मैं तो पहले जैसा हो गया हूँ। डोरेमोन, क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? मैं नहीं दूंगा। अगर मैं ये तुम्हें दूंगा तो तुम इससे कोई शरारत करोगे। तुम मुझे इतने समय से जानते हो फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं करते डोरेमोन। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ये ठीक नहीं है। जब से तुम मेरे घर में आए हो मैंने तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश की है हमेशा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे ले लो नोबिता। इसे बाहर लेकर मत जाओ। ये मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो डोरेमोन? मुझे माफ कर दीजिए मॉम। ये सब करने का मतलब क्या है? मैंने बॉडी स्विच कर अच्छा किया, अब मैं वापस पहले जैसा हो जाता हूँ। अरे मॉम, आइए ना, हमने अभी नई दुकान खोली है। हमारे पास आपके मेकअप के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और इन चीजों से आपका चेहरा चमक दमक उठेगा मैडम। क्या हुआ मैम, आराम से बैठिए। आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। अब ठीक है। तुमने फिर से नोबिता को अपना कोई गैजेट दिया है ना? नहीं, मैंने उसे नहीं दिया वो। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो डोरेमोन? बताओ आपका चेहरा। जरूर ये नोबिता का ही काम है, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मॉम मुझे माफ कर दीजिए। वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा तो ये तुम्हारी कार है, सुनियो थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसे नहीं देने वाला नोबिता। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो ना, अगर मैंने तुम्हें इसे दिया तो तुम इसे तोड़ दोगे। नोबिता, बिना मेरी परमिशन के मेरी रेडियो कंट्रोल कार इस्तेमाल मत करो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अपने आप को तो देखो पहले। अरे मैं नोबिता कैसे बन गया? ये मेरा है, इसे वापस करो, वो भी अभी। ठीक है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई परेशानी है क्या तुम्हें? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी होगी। अब तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है नोबिता। वही रुक जाओ। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? सुनियो, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो जियान? ये देखो। ये सब क्या है? अरे तुम खुद देखो मेरे दोस्त। सुनियो, ये है मेरा बिल्कुल नया गाना, ठीक है? और अब मैं इस गाने को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। सुनियो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा बेकार गाना सुनने के बाद मेरी तबीयत ठीक रहेगी। बाद में मिलते हैं, बाय। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा सुनियो, याद रखना, समझे? रुक जाओ सुनियो। क्या हुआ जियान? अरे नोबिता, तुमने सुनियो को देखा? वो खाली मैदान की तरफ गया है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं जियान बन जाता हूँ। अरे जियान। अरे आंटी, आप यहाँ? क्या कहा आंटी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मॉम, आप यहाँ? मैं सामान डिलीवर करने जा रही हूँ, मेरे पीछे तुम स्टोर की देखभाल करना, समझ गए तुम जियान? स्टोर की देखभाल करूँ? मैं ये नहीं करूँगा मॉम, सुना आपने? मैं स्टोर की देखभाल नहीं करूँगा। क्या कहा तुमने जियान, फिर से तो कहना जरा। मैं ये नहीं करूँगा। जियान इधर वापस आओ। अब मुझे जल्दी से बदल जाना चाहिए। वापस आओ जियान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे
नोबिता, क्या तुमने जियान को कहीं देखा है? अरे हाँ आंटी, जियान खाली मैदान की तरफ गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज उसे सजा जरूर मिलेगी। ये तो मजेदार होता जा रहा है, अब मैं सबको बुद्धू बना सकता हूँ। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें